धर्म और भगवान, इंसान के जीवन के दो ऐसे पहलू जिनमें से एक की मोहर कोख में बीज पनपने के साथ इंसान पर लग जाती है और दूसरे के किस्से बढ़ते बढ़ते आप अपने बड़ों से या फिर दूसरों से जानते हैं। पर विडंबना देखिए, इंसान अपनी मृत्यु शैया पर लेटा मरता मरता भी अपने द्वारा किए गए धर्म अधर्म के बारे में सोच रहा होता है और कहीं ना कहीं आखिरी पलों में कुछ और बेचैनी, कुछ और उम्मीदें बढ़ा अपने भगवान को खोज रहा होता है। वो लोग जो दिन में दो बार पूजा या पांच बार नमाज पढ़कर उस ऊपर वाले को खुश करना चाहते हैं, उसे पा लेना चाहते हैं, मन की शांति की उम्मीद रखते हैं या फिर अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, ऐसे हर इंसान को समझना चाहिए कि भगवान ने इंसानियत का धर्म हमारे दिलों में पिरो के भेजा है और एकमात्र उस इंसानियत की रोशनी को अपने कर्मों से फैलाने से ही थोड़ा बहुत या बहुत कुछ पाया जा सकता है। और इन सब बातों को परिकल्पना से हटकर जमीनी स्तर पर कैसे निभाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण दक्षिणी दिल्ली के संतनगर इलाके में रहने वाली नानकी जी हैं। नानकी जी अपने जीवन के 53 बसंत देख चुकी हैं। आज 53 सालों बाद नानकी जी खुद को अपने इस घर में अकेला पाती हैं, सिवाय अपने इस कुत्ते के, जिसे एक लाडले बेटे की तरह अपनी माँ की पलंग पर ही नींद आती है। दरअसल लोग जिसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहे होते हैं, कह सकते हैं कि नानकी जी के सिर पर सदैव उसका हाथ है। और ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस समय चूल्हे पर चढ़े इन बर्तनों पर किसी परिवार, इंसान या फिर खुद नानकी जी का खाना नहीं बन रहा है। ये खाना बनाया जा रहा है इस इलाके के ना जाने ही कितने सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों के लिए। और ये सिर्फ आज नहीं हो रहा, ये पिछले कई सालों से चली आ रही इनकी दिनचर्या है। और यकीन मानिए, जिस तरह से एक माँ खुद भूखी रह अपने बच्चों का पेट भरने की सोचती है, ठीक उसी तरह नानकी जी ने भूखे रहकर घर परिवार और समाज की अवहेलना सहकर अपने बच्चों के लिए अपना निस्वार्थ प्रेम बनाए रखा है। और मैं एनिमल लवर, अपने जो भी स्टेट डॉग है, पार्क वाले डॉग है, स्कॉन टेम्पर के जो जितने भी पार्क में डॉग हैं उनकी मैं देखभाल करती हूँ। सुबह खाना लेके जाती हूँ इनके लिए 6:30 बजे करीब, शाम के टाइम भी खाना बना के दे के आती हूँ, रात को भी देती हूँ। इस तरीके से मेरा पूरा दिन इनके साथ व्यतीत हो जाता है, मैं इनके साथ बहुत प्यार करती हूँ। नानकी जी इसी तरह से रोज ढेर सारा खाना तैयार कर बाकी सारे जज्बात नज़रअंदाज कर निकल पड़ती हैं अपने बच्चों का पेट भरने। मातृत्व के इस भाव में उन्हें साथ मिला एक और माँ, शिल्पी जी का। ये दोनों महिलाएं दक्षिणी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से लगे कई एकड़ों में फैले पार्क में रोजाना इसी तरह घूम घूम कर अपने बच्चों की खबर लेती हैं, उनका पेट भरती हैं। यूं तो मंदिर के इस पार्क में रोजाना हजारों लोग आते हैं, पर आप अगर यहाँ के कुत्तों से जाने तो इनसे मिलने रोजाना भगवान भी आते हैं, नानकी जी और शिल्पी जी के रूप में। ये बेजुबान जानवर धरती पर आज सिर्फ इंसान की जूठन, लात या फिर प्यार पर जिंदा है। खुद को धरती का भगवान समझने वाले इंसान को अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बिना अच्छे कर्मों के, जीव जंतुओं की मदद किए बिना या फिर इंसानियत को बस अपने अंदर घोटकर हम उस भगवान की नजर में किसी कुत्ते से बढ़कर नहीं है, पर किसी भूखे कुत्ते बिल्ली को रोटी खिलाकर आप खुद उसके भगवान बन जाते हो। फिर भगवान आपके अंदर है, मंदिर मस्जिदों में नहीं। खुद को किसी का भगवान बना लेना कोई आसान बात नहीं है। कोई बगैर मतलब निस्वार्थ भाव आपसे प्रेम करें, आप पर जान न्योछावर करें, आसान बात नहीं है। और ये सब हासिल करने के लिए बधाई की पात्र हैं ये दोनों माताएं।